कितना नुकसान हो गया है सर, परसों शाम को हमारे पास आए थे ना सर, ये परसों शाम को आपके पास आए थे सर जी, परसों शाम को ये आपके पास आए थे, परसों शाम को सर आपके पास हम आए थे ना, आपने आपने क्या कहा हमें, आपने कहा आप हंगामा कर रहे हो, आपके खिलाफ FIR लगेगी, आपके खिलाफ PSL लगेगा, कोई भी कंपनी आपको एडजस्ट नहीं करेगी। संजय जी हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मंजूर है मंजूर जी जो प्रोटेस्ट में नहीं, वो रहने दो, कोई भी रहने दो जी जी, कोई नहीं, वो क्या हमारे दुश्मन नहीं है जी जी, उनको बताया मैंने एक तरीका होता है जी जी, लेकिन कोई बोले इनको निकालो हमको हक दो, अरे ये नहीं है ना बात, डीसी साहब भी नहीं मानेंगे ना, इनको निकालो, दूसरे के पेट पे लात मारने किसने सिखाए, तब आदमी है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक मैं फोटो दिखा था उसका, गेस्ट हाउस आया था, बातचीत ले रही है, बातचीत बात कर रही है, धमकी तो नहीं दे सकता ना मैं आपके ऊपर, क्या है ये काम का तरीका है, बात करने दो जी जी, ये काम का तरीका है जी जी, किसी सब मानेंगे ऐसा, इसको निकालो इसको, अरे सब आदमी तो है जी जी, फिर संजय जी आप एक सुलझे हुए आदमी हैं, आपने दुनिया देखी है, आप मेरे को बताइए अब नया अगर आपको जरूरत पड़ती है क्या आप लोकल्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, मतलब आप 100% लूंगा जी जी, मैं आप देख रहे हैं न्यूज़ साइड इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ मडैंग, एक युवा जिनका नाम मंजूर अहमद है और ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट रामबन से जम्मू आए हैं अपनी दाद फरियाद लगाने, डिस्ट्रिक्ट रामबन में ये पिछले 4-5 दिनों से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए और उनके साथ काफ़ी सारे युवा और भी हैं और ये मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ये प्रोटेस्ट पे बैठे वहां पे इतना मीडिया कवरेज इनको नहीं मिलती है, इसलिए यहां पे बात करने के लिए आए हैं। मंजूर साहब क्या पूरा मामला है, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों ये युवा आपके साथ वहां पे बैठे हुए हैं? सबसे पहले डैंग साहब आप और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमें यहाँ पे कीमती वक्त दिया है। सर आज हम हमारा जो कंटिन्यू 5वां दिन चल रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट है, वहाँ पे सर सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी वहाँ पे आई थी वो टाटा कंपनी आई थी, कहाँ पे? ये डिगडोल टू मारोक टू डिगडोल के लिए टंडल का काम चल रहा है, तो वहाँ पे मसला ऐसा है सर, जो सबसे पहले हमने टाटा के ऊपर एक RTI लगाई थी, RTI में जो नेशनल अथॉरिटी के जो PD है संजय जी हैं, उन्होंने वहाँ से रिप्लाई दिया, कहा वहाँ पे जो काम कर रही है टाटा ही कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टाटा वहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे कोबेरा को आगे सबमिट किया गया है, कोबेरा के जरिए आगे और तीसरी जो यूनिक है, यूनिक कंपनी को जो है सबमिट करने का प्लान चल रहा है, और यूनिक ऐसा कर रही है, यूनिक जम्मू कश्मीर के छोड़ के आउट ऑफ स्टेट के ठेकेदार वहाँ उनको कंट्रैक्टर दे रही है, तो हमने यही गवार लगाई थी कुबेरा कंपनी से जो इस टाइम वहाँ पे है, हमने कहा था हमारे यहाँ जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रख सकते हैं जो लैंड लूजर है जिनकी ज़मीनों का नुकसान होगा, काल तक वहाँ पे जो ब्लास्ट होंगे उनके घर भी छीने, उनके घर भी बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, लेकिन ये लोकल है वहाँ पे जो 5 दिन से आज प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुबेरा कंपनी नहीं सुन रही है। परसों भी हम शाम को कम से कम 10 लोग ये हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस में, उन्होंने हमें बुलाया, हमने बातचीत की उनसे, उनका कहना एक ही मतलब है, उनका कहना यही मकसद है, कहते हैं हम खाली ये स्किल्ड ही लगाएंगे, अनस्किल्ड हम नहीं लगा सकते हैं। आपके वहाँ पे स्किल्ड नहीं है? स्किल्ड बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे स्किल्ड हैं, अब देखो ना जिनकी ज़मीनें जाएगी, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ अगर वहाँ का 100 लोग अगर स्किल्ड है उनमें से उनको 10 लोगों को तो अनस्किल्ड को भी एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़मीनें जाएगी, ताकि कल उनको उसी कंपनी से एक्सपीरियंस मिलके कल को 16 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे भी वो आसानी से लग सके अपना रोजगार कमा सके। तो आज हम 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो वहाँ के जो HR जो है परवेज जी हैं और उसके प्लानिंग ऑफिसर जो इश्फाक जी हैं, तो इश्फाक को हमने फ़ोन किया है, इश्फाक का कहना है आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसने 3 दिन पहले 16 तारीख को उसने हमें थर्ड दी, 16 तारीख के बाद क्या होता है 2 दिन के बाद ही कहता है आपके ऊपर PSA लग जाएगा, 3 दिन के बाद हमारे 3-5 बंदों का जो लिस्ट में नाम दिया हुआ है वो आपको मैं व्हाट्सअप करता हूँ, 5 बंदों का नाम दिया गया है, वो SSP ऑफिस में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, कंपनी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। तो वहाँ से जो फॉरवर्ड की गई SHO रामबन, SHO साहब ने बुलाया हमें, SHO साहब के पास गए हम, SHO साहब से हमारी बात हुई और हमने भी एक एप्लीकेशन कंपनी के ऊपर दी, हमने कहा जब तक हमारा हक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। जी सर,
अब क्या मतलब आप आगे भी प्रोटेस्ट पे ही रहेंगे? जी, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पंचायत गांव को मिलती है उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट के ही लगने, चाहे वो तैली माजरा का हो, चाहे वो बलिहोत का हो, चाहे वो मकरकोट का हो, चाहे वो रामसू का हो, चाहे वो बटोत का हो, चाहे वो संगलदान का हो, पहले रामबन डिस्ट्रिक्ट को ही मिलना चाहिए। उसके बाद अगर जो हमारे पास स्किल्ड नहीं होंगे, जैसे इंजीनियर आ गया, बड़ी बड़ी पोस्टें आ गई, अगर वो बाहर से लाते हैं तो हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, आज पाँचवा दिन कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें अगर 4 या 5 महीने कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखना पड़ेगा, हम इसे जारी रखेंगे। आप उनके काम में भी दखल अंदाजी करते हैं, कंपनी का जो काम लगा हुआ है वहाँ पे? हमने कोई दखल अंदाजी नहीं की, हम साइड पे बैठकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, साइड पे हमें बैठकर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और वो चलते रहेगा जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो कंप्लेंट की उसमें तो उन्होंने ये क्लेम किया कि आपने उनका काम रोका है वहाँ। देखिए सर, इश्फाक ने पहले जब हमें जो प्लानिंग ऑफिसर है उसको बेरा का, उसने हमें पहले थर्ट दे दी वहाँ से, फोन कॉल के बात हुई, उसने कहा आपके ऊपर हम PSA लगाएंगे। PSA लगने के बाद 3 दिन के बाद उसने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी SSP ऑफिस में, तो वहाँ से जो फॉरवर्ड हुई जो SHO रामबन, तो हमारे ऊपर साजिश रची जा रही है, हमें PSA लगाने का बहुत ही कोशिश की जा रही है कंपनी के जरिए। जी सर, क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है, जो नेशनल हाईवे और रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो बहुत अच्छा यूथ के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो टाटा कंपनी और कुबेरा, जो टाटा के जरिए आगे कुबेरा आया, वो जो गुंडागर्दी कर रही है लोकल यूथ के साथ और वहाँ पे इंसाफ नहीं दे रही है, हमें यही गुजारिश है कि उनसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें पहले पंचायत गांव, उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सर एक प्लान और किया है, कुछ काम जो है 4.5 किलोमीटर के 2 टनल बनने हैं, जो एक दिया है कुबेरा को और दूसरा दिया यूनिक को। अब यूनिक का ये भी कहना है, यूनिक कहती है हम जी कंट्रैक्टर ठेकेदार को देंगे और वो भी आउट ऑफ स्टेट को देंगे। क्या हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में ठेकेदार नहीं है? वहाँ पे बहुत सारे ठेकेदार है। अब ठेकेदारों के जरिए अगर हम लग जाते हैं, ठेकेदार तो हमें 10 से 12 हज़ार सैलरी देगी, अगर कंपनी के जरिए हम लगते हैं, कंपनी जब हमें सैलरी देगी, सैलरी भी वहाँ के यूथ को अच्छा मिलेगी और उसके बाद सैलरी स्लिप भी देंगे, सेफ्टी भी देगी, ठेकेदार तो इतना नहीं दे सकता है, सेफ्टी हेलमेट भी रहेगा, सब कुछ हमें कंपनी के जरिए मिलेगा ना, ये खाली ठेकेदार वो सब लिट चल रहा है वहाँ पे सर। जी सर, तो लास्ट में मेरी गुजारिश रहेगी LG साहब और नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्टर है और हमारे DC साहब रामबन, वो भी बहुत अच्छा यूथ के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे टाटा कंपनी और कुबेरा के जरिए वो गुंडागर्दी कर रही है, हमें हमारा इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। इस मसले से रिलेटेड आप DC साहब से मिले वहाँ पे? बिल्कुल सर, DC साहब के पास हम 25 से 30 लोग गए, DC साहब ने हमें आश्वासन दिया आपका हक जो है आपको ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं। अभी देखो परसों हम जब डायरेक्टर के पास गए, डायरेक्टर मुझे कह रहा है अभी जी हमारा काम शुरू ही नहीं हुआ, जब हमारा काम 30-35 फीट जब अंदर जब टंडल बनेगा, हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। अगर आज नहीं है हमारे पास आपके पास वैकेंसीज, आज आपने बाहर से लिया जो अगर 100 लोग वहाँ पर 100 लोग को आपने जॉब दी, किसी को कश्मीर से लाया, किसी को पंजाब से लाया, किसी को दिल्ली से लाया, अगर आप लोकल यूथ एडजस्ट करेंगे वहाँ पर, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी सर, चलें जी, हम जो कुबेरा कंपनी के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। हेलो उनका संजय। हेलो हेलो संजय जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार संजय जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, जम्मू से, न्यूज़ एयर इंडिया से। हाँ बोलो संजय जी, आपकी जहाँ पे काम लगा है ना मारोग में, वहाँ पे कुछ युवा जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स को जो है ना वो प्रायोरिटी पे जो है लगाया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बताता हूँ सर आपको, मुझे टाइम है थोड़ा। जी जी, मैंने 64 का मेरे पास स्टाफ है। जी जी, मैं टनल के अंदर चला नहीं गया अभी, कुछ नहीं। जी जी जी, टनल रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो मालूम है आपको। जी जी, बराबर है, बिल्कुल। मेरे पास मैंने सब जो डिटेल DC ऑफिस से मांगे थे जी, वो मैंने DC ऑफिस में DC साहब को पूरा दे दिया है। जी जी, अब भी मेरे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जी जी, वो बोलेंगे मेरे 10 लगाओ बंदे, हम ऊपर काम करते हैं, हम मरोक से है, हमारे 10 लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ। कंपनी ऐसा एडजस्टमेंट करके कंपनी कोई खुद का नुकसान नहीं कर सकती ना। जी बराबर है। जी जी, जैसे अंदर हम चले जाएंगे, जैसे 500 मीटर, 300 मीटर, 800 मीटर जी हमको लगेगा, अभी 50 लोग है। जी 50 लोग है। जी जी, हमको लगेगा यहाँ और 2 लोग चाहिए, हम ले लेंगे ना। जी, कोई प्रेशर करेगा ये ले लो। जी, ये सरकार भी नहीं बोलेगा ना, नहीं, ले लो ऐसा, बराबर है।
गवर्नमेंट में लेता है कोई इतनी इतनी बेरोजगारी तो? नहीं नहीं बताओ मुझे, कोई लेता है? ये लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कौन सी कंपनी प्राइवेट काम कर रही है, कोई खुद का नुकसान नहीं कर सकती। बिल्कुल हाँ, 64 का स्टाफ है उसके ऊपर तो मेरा काम नहीं होने वाला जैसे मैं अंदर चला जाऊंगा। और डिगडोल साइड और ये यूनिक साइड बरो ये दोनों भी ये यूनिट जी जी वो कॉमन है हमारा पूरा स्टाफ जो भी है, हमने पूरा रिकॉर्ड डीसी ऑफिस में दे दिया है। अच्छा हाँ। तो आपने कंप्लेंट भी की है इन लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नेशनल प्रोजेक्ट रोक रहे हैं ना जी जी, ये रोकने का स्टाफ को वहां से निकालने का किसको अधिकार है ये मुझे बताओ ना। आपके स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं कोई, मतलब कुछ फिर काम रोक रहे हैं? मेरा स्टाफ था यहाँ रुकने का नहीं, वहाँ रुकने का नहीं, अच्छा यहाँ गाड़ी लगाने का नहीं। अच्छा हाँ, ये नहीं है, ये अलग इशू है थोड़ा ये। अच्छा हाँ, हम क्या उनके ऊपर या फायर करने का, किसी का गोर गरीब लोग है सबको काम चाहिए, नुकसान करने का हमारा ये नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस सही है। नेशनल प्रोजेक्ट कोई रोक नहीं सकता, हकीकत अलग है जी जी जी, बहुत अलग है। इसलिए हम जो वहाँ नहीं जा रहे, डिमांडे बहुत है उनकी जी। हमारे ऊपर घर है पानी रोकने का, किसका हक है पानी रोकने का ऊपर से मुझे बताओ जी जी। पहाड़ हमारा है, ये हो सकता है किसी का पहाड़ जी जी, दरिया किसी की हो सकती है? जमीने तो होंगी ना सर उनकी अपनी, दरिया किसी की हो सकती है? जमीने होंगी ना वहाँ पे सर उनकी, अब टनल बन रहा है तो उसमें ब्लास्टिंग होगी, उनकी जमीनों का नुकसान होगा, वो उस कारण से बोल रहे हैं कि हमें कहीं एडजस्ट कीजिए। नहीं, 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 नहीं। ये देखो जी जी, एक पाइपलाइन तोड़ना ये बहुत गलत है, ये इसके पीछे बहुत अलग है ये सब। पाइप तोड़ी किसी ने? पाइप तोड़ी सर। अच्छा हम जो भी है डीसी साहब, हम उनको नहीं बोलते कि उनका उनको रोजगार मिलना चाहिए जी जी, ये बराबर है एकदम। उनको मैंने गेस्ट हाउस पे बुला के लिया था कुछ लोगों का, उनको बताया कि जी जी, दो दिन एक 500 मीटर 800 मीटर अंदर जाने दो जी जी, वो बोल रहे 8 दिन के बाद आएंगे। 8 दिन के बाद आएंगे तो रिक्वायरमेंट निकलेगी तो मैं लगाऊंगा ना। अच्छा मतलब नेक्स्ट मेरे पास अभी चार गाड़ी है, मेरे पास सुनो, मेरे पास अभी चार गाड़ी है, चार हाईवा है, मैं 8 ड्राइवर क्यों लूं? नहीं, नेक्स्ट आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोकल्स को ही प्रायोरिटी पे रखेंगे, आप लोकल्स को ही प्रायोरिटी पे रखेंगे, कंपनी को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। और इनका काम हमारे 10 ले लो, अरे काम होगा तो 10 ले लूंगा ना मैं, मेरे पास। हम अनस्किल्ड नहीं लगाएंगे, हमें स्किल्ड ही चाहिए, जिनकी जमीनें जाए 10% वो यूज पे लगना चाहिए ना, मेरे पास सुनो, उनकी जमीनों का नुकसान होगा जी 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 जी। जो हम बात कर रहे हैं ना, अनस्किल्ड लगेंगे स्किल से जी जी, हर एक बोलता है हम प्लानिंग इंजीनियर देंगे, हम ये देंगे, हम दूसरे का सुन के हम काम करेंगे जी जी। कंपनी के भी कुछ रूल्स रहते हैं जी जी। हाँ, प्लानिंग इंजीनियर का काम प्लानिंग इंजीनियर करेगा, बहुत बड़े बड़े लोग कंपनी में काम किए, 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग है हमारे पास। हम टाटा जैसे बड़े क्लाइंट के साथ काम, आपने सर एक बात और कही थी ना, आपने कहा था ये भी देखो ना सर, आपने सर जी, आप ये भी देखो, आप मीडिया से आते हो ना, बाकी की न्यूज़ दिखाओ कैसे नुकसान हो गए डीएमआर का, जो लोकल ठेकेदार ने काम किया है जी जी। सर परसों नुकसान हो गया है सर, परसों शाम को ये परसों शाम को आपके पास आए थे सर जी, परसों शाम को ये आपके पास आए थे? परसों शाम को सर आपके पास हम आए थे ना, आपने क्या कहा हमें? आपने कहा आप हंगामा कर रहे हो, आपके खिलाफ FIR लगेगी, आपके खिलाफ PSL लगेगा, कोई भी कंपनी आपको एडजस्ट नहीं करेगी। संजय जी हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मंजूर है, मंजूर जी जो प्रोटेस्ट पे हो रहे हैं, वो रहने दो, कोई भी रहने दो जी जी, कोई नहीं, वो क्या हमारे दुश्मन नहीं है जी जी। हाँ, उनको बताया मैंने एक तरीका होता है जी जी जी, लेकिन कोई बोले इनको निकालो हमको हक दो, अरे ये नहीं है ना बात, डीसी साहब भी नहीं मानेंगे ना इनको निकालो, दूसरे के पेट पे लात मारने किसने सिखाए है, सब आदमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक मैं फोटो दिखा था उसका, गेस्ट हाउस आया था, सब अच्छी थे लड़के, सब अच्छी बात कर रहे थे, जो लगाए की धमकी तो नहीं दे सकता ना मैं आपके ऊपर, क्या है ये काम का तरीका है? बात करने दो जी जी, ये काम का तरीका है जी जी, डीसी साहब मानेंगे ऐसा, इसको निकालो इसको, अरे सब आदमी तो है जी जी। फिर संजय जी, आप एक सुलझे हुए आदमी हैं, आपने दुनिया देखी है, आप मेरे को बताइए अब नया अगर आपको जरूरत पड़ती है, क्या आप लोकल्स को
प्रायोरिटी पे रखेंगे या नहीं रखेंगे? मतलब आप 100% लूंगा। मैं एक बोलता हूँ, मैं मेरे स्टाफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जी जी, मैं टेक्निकल स्टाफ में मेरे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे लगेगा सेफ्टी में लग सकता है, लगाऊंगा। मुझे लगेगा इसने सुपरवाइजर बोल के काम किया है, कहीं एक दो दो तीन साल का एक्सपीरियंस हो किया है, उसका इंटरव्यू लूंगा मैं दो बार तीन बार लगाऊंगा। ये बोलेंगे हम फ्रेशर है, बैठ के पेमेंट कंपनी किसी को नहीं देंगी। और ये किसी को फ्रेशर को सिखाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट का ऑलरेडी टाइम निकल चुका है। ये प्रोजेक्ट के ऊपर ऊपर से ध्यान है, ये प्रोजेक्ट जल्दी बनाने का है। हाँ, जो दो बार इंटरव्यू लेंगे उनका सच में आता है। मेरे पास सर जी लोग आते हैं वहां से, मुझे ऑफिस में काम देता हूँ, कंप्यूटर नहीं चलाने आता बिल्कुल। आज डायरी और पेन का काम रहा है कहीं, मुझे बताओ आप। नहीं दे सकते ना, उनको चेयर चाहिए। मुझे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चेयर पे नहीं बैठता। उसको बोल दिया मैंने, वो लड़के को मुझे नाम नहीं मालूम, आप सेफ्टी में काम करो, मैं रास्ते पे खड़ा रहूँ क्या बोला। एक बात करने का तरीका है, काम चाहिए ना, रोजगार चाहिए ना आपको, आगे की इतनी बात क्यों करना। हम दे रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से है उस हिसाब से। उनको भी मालूम है काम, आप भी मीडिया वाले, आपने भी देखा पोर्टल के अंदर चले नहीं गए कुछ नहीं। चार किलोमीटर का टनल है, 4 किलोमीटर का टनल, 60 लोगों के होने वाला है क्या? मुझे बताओ। नहीं, और स्टाफ तो लगेगा। संजय जी, आपकी तरफ से आप क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? पिछले 4-5 दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट पे, वहाँ पे क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि मेरी रिक्वायरमेंट जब लगेगा मुझे, जी जी, मेरा एक्सकेवेटर आ गया, अभी मेरे पास 4 एक्सकेवेटर है, जी जी, 4 डंपर है, जी जी, 2 मशीन है, उसके ऊपर ऑलरेडी सब है, जी जी, जब 5वां डंपर आएगा, जी जी, उसके ऊपर ड्राइवर का लगेगा, जी जी, मैं वो लोगों को पूछूंगा, उनको आप मेरे से कोई ड्राइवर है आ जाओ, एक्सकेवेटर आएगा उनको पूछूंगा, वो एक्सकेवेटर वाला है आ जाओ। मुझे लगेगा प्लम्बर की जरूरत है अंदर जाने के लिए, प्लम्बर वाला आएगा तो मैं ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुझे लगेगा सेफ्टी में अब बहुत काम बढ़ गए, सेफ्टी में और बंदे लगने वाले, मैं रिक्वायरमेंट बढ़ाऊंगा, लगेगा तो बिल्कुल। इतने बंदे के ऊपर तो काम नहीं होगा, सेफ्टी का इश्यू है, सेफ्टी में कुछ गड़बड़ हो जाएगी मेरी कंपनी के ऊपर आ जाएगा। मैं मुझे सब मालूम है ये बिल्कुल, लेकिन मुझे पैसे देना ही है और काम करके लेना ही है बिल्कुल। 4 बंदे के ऊपर मैं अकेला नहीं काम कर सकता, मैं मालिक भी हूँ तो बिल्कुल। मैंने भी 25 आदमी का 50 आदमी का स्टाफ रखा है, जी जी जी, हाँ। और 70% जो भी है, 70-80% लगाए लोग लोकल के ही लगाए, जी जी, कहीं के नहीं लगाए, जी जी, रामबान के ही लगाए। अच्छा, रामबान के, उसमें मरु के है, शेरी के है, जी है ना, आपको लिस्ट भी देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं, जी जी, उनको समझो आप अपनी तरफ से, हम क्या उनके खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। चले सर, हमने इनकी भी बात सुनी, हमने कंपनी की तरफ से भी पक्ष रखने की कोशिश की है, क्योंकि एक तरफा बात करना जो है वो कहने के गलत होता है। ये प्रोजेक्ट नेशनल है, सब है, ये काम किसी को रोकने का अधिकार नहीं है वहाँ जाके, और ये तरीका नहीं है। हम भी प्रोसेस के साथ है ना, जी जी, डीसी साहब भी लिस्ट देख के नहीं बोलेंगे ना ये सही है गलत है, बोलेंगे पूछेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो कोई ग्राम पंचायत किसी का ये नहीं रहता, ये नेशनल प्रोजेक्ट में, ये तो आपको ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। चले संजय जी, शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट में काम आएगा। शुक्रिया शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हाँ, ऐसा हम उनके खिलाफ नहीं है सर जी, जी जी जी, मैं जो है फैक्ट बोल रहा हूँ, जी जी, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार मैं। और भी इशू क्या है, कोई भी आता है हमारे पास, जी जी, 10 साल का 15 साल का लड़का हो, मुझे टनल बनाना है, ये दे दो, जी जी, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे मुझे मालूम है ना, टनल कौन बनाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी को प्रेशराइज करना, ये करना, हम ये काम करेंगे, हम एम्बुलेंस देंगे। अरे मुझे कंपनी चलाने का है, मार्केट से रेट मुझे लेने का है, मुझे मालूम है ना तरीका क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले ये उनकी डिमांड बहुत है, जी जी जी, अलग अलग है इशू इनके बहुत। चले सर शुक्रिया, रोजगार चाहिए ना वो अलग तरीके से आता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। हाँ हाँ, कोई नहीं, उनको समझाओ आप अपनी तरफ से, जी जी, कोई बात नहीं, शुक्रिया। मैंने जो कहानी बताई, मैं डीसी साहब को भी वही बताने वाला हूँ, जी जी जी। और वो कागज देख के और आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ मेरे पास रिकॉर्ड है ना, जी जी जी, वो बाकी देखेंगे क्या है। ठीक है सर, ठीक है। और उनको ऊपर एफआईआर करना है, ये करना है क्या, मुझे भी अच्छा नहीं है वो, लेकिन एक प्रोसेस है वो, जी जी। चलो शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सर। ओके ओके। तो ये कुबेरा
जो कंपनी है जिसने ये काम लिया हुआ उसके डायरेक्टर साहब थे, और एक पक्ष मंजूर साहब ने रखा, कंपनी की तरफ से भी जो अपना पक्ष था वो डायरेक्टर साहब ने संजय जी ने रखा है। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।